हजरात सलामुन अलैकुम। अय्याम अज़ा को लेकर ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड की एक मीटिंग 23 जून शब में 8:30 बजे मुनक्किद हुई थी ऑनलाइन जूम के ऊपर, जिसके अंदर पूरे मुल्क के हजरात उलमा, खुतबा, ज़ाकिरीन, वाइज़ीन और कौम के जिम्मेदार हजरात ने शिरकत की थी। और इस सिलसिले में मैं मुसलसल तमाम सूबों में राबता कायम कर रहा हूँ कि अय्याम अज़ा को लेकर क्या लायमल बनाया जाए। इसके लिए मरकजी हुकूमत और ख़ास तौर से मराजा किराम, चाहे वो नजफ़ अशरफ इराक में हो या वक़्ू में मुकद्दस ईरान में तशरीफ़ फरमा हो, हम उनसे भी राबता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे ये गुजारिश है हमारी कि एक एक दिन जो गुजर रहा है वह अय्याम अज़ा करीब आ रहा है, उसके लिए लायमल हमको कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। हम ये चाहते हैं कि अज़ा खाने सूने भी ना रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए अज़ादारी हो। ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड ये भी नहीं चाहता है कि हुकूमत से, ज़िला इंतज़ामिया से हमारी कौम के बच्चों का टकराव हो जाए, जो मजहबी जज्बात कुछ लोग अगर से भड़का दें और टकराव हो जाए उससे उनके FIR हो, और जब अय्याम अज़ा तमाम हो जाए तो पुलिस उन बच्चों को गिरफ्तार करे, उनके ऊपर मुकदमात लगे और वो अपनी जमानत कराने के वास्ते इधर उधर दौड़ते रहें, हम ये भी नहीं चाहते। लिहाजा इसके वास्ते मैं आज आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं। ये गुजारिश ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड की जानिब से है, मेरी जाती जानिब से नहीं है। वो गुजारिश ये है कि जो ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड एग्जीक्यूटिव कमेटी के या अहदेदारान या मेंबरान हैं, वो अपने जिला इंतजामिया को फौरन आज़ादारी के लिए लेटर लिखें कि मुहर्रम शुरू हो रहा है और उसके लिए हमारे वास्ते क्या लायमल है, ताकि कम से कम आपका एक लेटर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जिला प्रशासन को, या जहां कमिश्नरी हो वहां कमिश्नर को, या सूबे के वजीर आला या दूसरे जिम्मेदारान को जाना चाहिए, ताकि अगर से हमको परमिशन नहीं मिली खुदा ना खास्ता और हमें कोर्ट का रुख इख्तियार करना पड़ा, कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, तो उसके वास्ते ये हमारा पहला स्टेप है। मैं चाहूंगा आप तमाम हजरात से ये गुजारिश करूंगा, खास तौर से अपनी मातनी अंजुमनों से, हजरात उलमा, खुतबा, ज़ाकिरीन और वाइज़ीन से, कि आप तमाम हजरात अपने जिले के जिम्मेदारान के साथ में मिलके इंतजामिया से फौरन मिले और खाली जबानी नहीं, वर्बली नहीं, रिटर्न एक तहरीर दें परमिशन के वास्ते। और इंशाल्लाह जैसे ही इंशाल्लाह एडवाइजरी जारी होगी आपको इत्तला कर दी जाएगी।